जब भी अब्बा घर में आएंगे बच्चे समझते हैं चंगेज खान घर में आ गया, अभी नसीहतों के अलावा इनका कोई काम नहीं है, बस ये आ गए, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये गिलास यहाँ क्यों रखा हुआ है, मैं तुझे, तू स्कूल गया था, ये स्टाइल होते हैं, तू स्कूल आज फिर छुट्टी करके बैठा हुआ है, पटाख पटाख दो लगाई उसके खींच के, फिर एक ठुड्डा मारा, फिर गालियां भी दे रहे होते हैं, बच्चों को गालियां ना दिया करो, ये बहुत बुरी आदत है। अबे तू क्या कर रहा है, अबे तू उल्लू के पट्टे ऐसे, ये जी नहीं भाई आप क्या कर रहे हो बेटा। एक साहब ने मुझे कहा मेरा बच्चा जो है ना तू तड़ाक से बात करता है, मैंने कहा आप अपने बच्चे से तू तड़ाक से करते होगे, वरना ये कहीं और से तो नहीं सीख सकता ये। हमने उलमा को देखा है, बड़े उलमा को, वो अपने बच्चों से ऐसे बात कर, आइए बेटा, छोटे बच्चों से भी खाइए जाइए, और यहाँ क्या हो रहा है, अबे उल्लू के पट्टे खा ले, तेरे सामने खाना ठंडा हो रहा है, ये हो रहा होता है स्टाइल, खा, ये तेरी नौकरानी नहीं है जो तेरी माँ है जो बना के लाई है, खा, तो ये स्टाइल होता है। तो बच्चे को घर में इज्जत बोलो नहीं मिलती, वो कहते यार हम तो ऐसे ही पैदा हो गए, पता नहीं क्यों पैदा हो गए इस घर।